अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खान सिस्टर। आई होप सो आप सभी खैरियत होंगे और आपकी दुआ से हम सभी भी एकदम खैरियत से हैं। तो आपने मेरा कल का ब्लॉग देखा कि सुबह में नाश्ते में मैंने छोला भटूरे बनाए थे, बट समझ में नहीं आता डेली डेली नाश्ते में क्या बनाऊँ। तो आज जो मैं नाश्ते में बना रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल का चीला फ्रेंड्स। तो मूंग दाल का चीला भी जो है वो ठंडी में बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहता है, फ़ायदेमंद रहता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। मैंने इसका रेसिपी आपको अपने चैनल पर पहले भी शेयर किया है, आप जाके मेरे पिछले ब्लॉग देख लें तो उसमें आपको इसकी रेसिपी ज़रूर मिल जाएगी। और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है ये मूंग दाल का चीला। तो अभी मैं सबको बनाकर ये मूंग दाल का चीला दे रही हूँ। उसके बाद मैं, आज है फ्राइडे तो मुझे और भी सारे काम है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और आप सभी को मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो आपको तो पता ही है कि जुम्मा को तो एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो अभी आ गई हैं गुड़िया भी, उनको बाउंड्री धुलना है, तो उससे पहले मैं उनको नाश्ता दे दूंगी ताकि वो नाश्ता करके फिर बाउंड्री धुलें। और उसके बाद मैंने अपने रूम को तो ठीक कर लिया है, बस थोड़ा बहुत जो है कपड़े वगैरह फोल्ड करने हैं मुझे, तो मैं वो सब फोल्ड करके फिर आपसे दिखाती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपना नाश्ता लेकर बैठ गई हूँ और यहाँ पर मेरा चाय है, यहाँ पर मेरा मूंग दाल का चीला है। तो अभी मैं फटाफट खा लेती हूँ, उसके बाद भी मुझे बहुत सारे काम है और मैंने रूम ऑलमोस्ट ठीक कर दिया है। तो फ्रेंड नाश्ता करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज है जुमा और बहुत जल्दी टाइम बीत रहा है। तो उसके बाद फिर हमें नहा के बहुत सारा चीज़ भी पड़ना है, तो पहले मैं खाना बना लेती हूँ फिर उसके बाद मैं आगे का काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पुलाव बना दिया और ये अभी दम पे है, और यहाँ पर मैंने चिकन जो है वो चढ़ा दिया है और अभी मैं मसाले भून रही हूँ। तो चिकन धुलने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं नहा कर आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा ठंडी है फ्रेंड्स कि एकदम नहाने के लिए भी 2 मिनट बहुत हिम्मत करके जाना पड़ता है। और आपको जैसा कि मैंने बताया है कि आज जुमा है, तो बहुत सारा चीज़ है जो आज जुमे के दिन स्पेशल पढ़ना चाहिए। तो मैं भी जा रही हूँ पढ़ने और उसके बाद मैंने खाना बना दिया। आसिफ आ चुका है ऑफिस से, तो मम्मी उसको जा रही है खाना देने और मैं चली फटाफट पढ़ने, क्योंकि मुझे 2 और 2:30 बजे तक ट्यूशन भी निकलना है। तो मैं मिलती हूँ आप लोग से नमाज़ पढ़ने के बाद। तो फ्रेंड्स जुमा के दिन मैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी पढ़ती हूँ। ऐसे तो हर दिन ही पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं जुमे के दिन ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। मैंने ऊपर में यहाँ पर मेंशन किया है कि कौन कौन से सूरह जो हैं आज के दिन पे ज़रूरी पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं निकली ट्यूशन के लिए। मैंने सब कुछ कर लिया, तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ही ज़्यादा। मैं फटाफट निकलती हूँ ट्यूशन के लिए। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ ये इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। मैंने इसको मंगाया था इंस्टा पे देख के, नोवा लिंट रिमूवर। तो मेरे इस जैकेट में बहुत ही ज़्यादा जो है वो लिंट हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा, जिसे रोएं कहते हैं, बहुत ज़्यादा निकल गए थे। तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा किया और बहुत ही ज़्यादा फ़र्क मुझे दिख रहा है। और मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इसका जो डस्ट है वो देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूरा कलेक्ट हो गया है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा कलेक्ट हो गया है और कुछ इसमें भी है। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसे मैं 5 में से 5 दूंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और मैंने पहले सोचा था कि पता नहीं कैसा आएगा, लेकिन मुझे इसका बहुत ही अच्छा काम लगा और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं फ्रेंड। इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इसे मैंने मीशो से ऑर्डर किया है, तो मुझे ये 368 का पड़ा। तो बहुत ही ईजी, मतलब ईजी में रिमूव हो जा रहा है। तो आप अगर चाहें तो आप इसको ज़रूर बाय कर सकते हैं, क्योंकि ठंडी में जो है वो ऑलमोस्ट सारे जैकेट्स और स्वेटर्स में जो है वो रोवे निकल जाते हैं। तो इससे बहुत इजी तरीके से रिमूव हो जाएगा। और चाहे तो आप ब्लैंकेट वगैरह भी इस पे, ब्लैंकेट्स के भी जो रोएं होते हैं उसे इसके थ्रू आप उससे रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ ट्यूशन से और मेरा ट्यूशन आज एक ही था। तो अभी मैं जा रही हूँ असर की नमाज़ पढ़ने, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको तो पता ही है कि ठंडी में बहुत जल्दी जल्दी टाइम जो है वो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर बज गया अभी शाम के 4 और अभी अजान हो चुकी है। तो मैं जा रही हूँ असर की नमाज़ पढ़ने, क्योंकि 4:30 बजे तक बच्चे आ जाएंगे, फिर मैं उधर बिज़ी हो जाऊँगी। तो मैं आप लोग से नमाज़ पढ़ने के बाद मिलती हूँ।
फ्रेंड्स मैंने नमाज पढ़ ली और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हीटर लगा के रखा है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा, और मैंने पूरे पैर में भी सॉक्स पहन के रखा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। और अभी ट्यूशन वाले बच्चे भी आने वाले हैं तो इस वजह से मैंने यहाँ पर अपना रख लिया है कि मुझे थोड़ा सा ठंडी से राहत मिले। और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर कितना टेम्परेचर है। और फ्रेंड्स मैं ट्यूशन पढ़ाने के बाद आप लोग से मिलती हूँ। फ्रेंड्स अभी जस्ट मैं ट्यूशन पढ़ा कर उठी हूँ और अभी एक दो बच्चे हैं वो जो ट्यूशन पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगा बहुत ज़ोरों की भूख तो मैं चलती हूँ किचन में, देखती हूँ कुछ जुगाड़ कि कोई कुछ बना रहा हो या मिल जाए मुझे। तो फ्रेंड्स मैं किचन में आई और मैं देखती हूँ कि मेरी मम्मी यहाँ पर मेरे लिए कुछ बना रही हैं। पर आई और मम्मी यहाँ पर बना रही हैं मेरे लिए मटर का घुघनी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ठंडी में मटर का घुघनी इज़ माय फेवरेट। तो बन जाता है फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा गर्मा गर्म जो है मटर की घुघनी आ गई है, मेरा फेवरेट है फ्रेंड्स, और ये ठंडी में मुझे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। और यहाँ पर है गर्मा गर्म चाय, तो मैं अभी इसको खाती हूँ, उसके बाद में आप लोग से आगे मिलती हूँ क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती और ये बहुत ही ज़्यादा यमी है। फ्रेंड्स मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा यमी जो मटर की घुघनी बनाई थी वो मतलब मज़ा आ गया खाकर, और इतने दिनों के बाद, और वो ठंडी में तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। उसके बाद गर्मा गर्म अदरक वाली चाय मिल गई, तो बस इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए दिन लाइफ में अपने। और इधर आपको दिख ही रहा है कि मैंने हीटर लगा के बैठी हूँ। तो इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप सो आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा, और प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।